अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एंगलुरु हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 15.1, ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज टिल हियर क्वेश्चन नंबर 3, ओके, टिल क्वेश्चन नंबर 3। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, ओके, आर यू रेडी गाइस? सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पर हमको कुछ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पर देखो ए में दिया हुआ है 2/3, बी -1/5, सी 15% एंड डी 0.7। तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी है गाइज, एज वी नो गाइज के हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी हमको हमेशा कैसी मिलेगी, दैट इज इक्वल और ग्रेटर देन ज़ीरो एंड इक्वल और लेस देन वन, ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा और वन या वन से कम। यही प्रोबेबिलिटी अगर आपको आंसर में मिलती है दैट मीन्स यू आर राइट, अदरवाइज वो जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ क्या हो सकती है, वो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। सो हियर 2/3, सो बेटा 2/3 का अगर आप डिवीज़न करोगे, ठीक है, डेसिमल एक्सपांसन उसका फाइंड आउट करोगे, दैट यू विल गेट आपको क्या मिलेगा, जीरो से जीरो पॉइंट में मिलेगा आंसर और वन से कम होगा, बिकॉज दिस इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और आपको इसका आंसर कैसे मिलेगा, जीरो पॉइंट में मिलेगा लेकिन लेस देन वन होगा। ओके, सो वी कैन से ये क्या है, प्रोबेबिलिटी सही हो सकती है। नाउ हियर -1.5, देखो ये -1.5 है, दैट मीन्स 0 और 1 दोनों से कैसी है, -1.5 इज लेस देन 0 एंड 1, 0 और 1 दोनों से ये कम है -1.5, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है बिकॉज 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। हाँ, 1 से कम हो दैट इज चलेगा, लेकिन 0 से कम नॉट पॉसिबल। सी 15%, तो 15% दैट मीन्स 15/100 है ना, 15/100, और अगर आप इसको डेसिमल में लिखोगे दैट मीन्स 0.15 आएगा, सो 0.15 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, सो वी कैन से दिस कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। नाउ नंबर डी 0.7, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, सो वी कैन से दैट कैन बी इट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ओके, डू अंडरस्टूड? तो यहाँ पर सिर्फ एक बी ऐसा आंसर है, हमको सिर्फ एक ऐसा फाइंड आउट करना था कि जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, सो वी कैन से दैट बी कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बी जो है वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। सो ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5, इज पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। यहाँ पर हमको बोला हुआ है कि जो पी ऑफ ई है, मतलब इवेंट जो होने वाला है, पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पर दी हुई है, दैट इज 0.05, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। एंड एज वी नो कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दोनों का एडिशन करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, देन वी विल गेट 1 एज अवर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। सो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है और दोनों का टोटल हमारे पास है, टोटल क्या है 1, सो वी विल -0.05 फ्रॉम 1, ओके, एंड देन वी विल गेट अवर आंसर दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ओके, सो हियर अवर आंसर, लुक बेटा क्वेश्चन 5, ओके, वी नो दैट पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1, पी ऑफ ई और पी ऑफ नॉट ई का प्लस क्या होता है 1, सो 0.05 प्लस पी ऑफ नॉट ई, देखो यहाँ पर 0.05 प्लस पी ऑफ नॉट ई दोनों का प्लस क्या हुआ 1, तो हम लिखेंगे 0.05 को क्या करेंगे हम, वी विल ट्रांसपोजिंग इट टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड उसको लेकर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1 -0.05 एंड वी विल गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन 0.95 एज अवर आंसर। तो हमको द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई वो क्या मिली हमको, 0.95। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. एक बैग है जिसमें क्या कंटेंट्स है, बैग ने क्या कंटेंट किया, ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी, ओके नो अदर फ्लेवर. मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू द बैग. अब मालिनी विदाउट ओके लुकिंग इन टू बैग ऐसे ही एक कैंडी निकालेगी, उसमें से वन बाई वन जितनी भी कैंडी निकालेगी. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एंड सेकेंड इज अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. अभी देखो बेटा, मैं आपको एक बैग दूँ जिसमें सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर की ही कैंडी रखूँ, तो आप उसमें से जितनी भी कैंडी निकालोगे विदाउट लुकिंग इन टू दी बैग, देन वो कैंडी कौन सी आएगी, सिर्फ ओके मैं आपको लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का भरा हुआ बैग दे रही हूँ, उसमें और कोई फ्लेवर नहीं है, तो लेमन फ्लेवर की कैंडी बाहर आएगी. उसमें से कोई और फ्लेवर हो सकता है? नो, बिकॉज देर आर ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज. ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट दैट लेट दी नंबर ऑफ कैंडीज. हम क्या करेंगे, कैंडीज का नंबर जो है वो हम क्या लिखेंगे, उसको एन, बिकॉज वी डोंट नो द टोटल नंबर ऑफ द कैंडीज. ओके, तो हम उसको एन से लेट करेंगे. नाउ फर्स्ट इवेंट, देन फर्स्ट इवेंट इज एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी. सो ओके, वी विल राइट हियर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी. सो पी ऑफ ई, अब हम यहाँ न्यूमरेटर में कौन सा नंबर लिखते हैं, न्यूमरेटर में हम लिखते हैं वो उसके पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं, ठीक है, फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं. तो यहाँ पर ऑरेंज कैंडी बैग में से निकलने के आउटकम्स कितने हैं बेटा, पॉसिबल आउटकम्स, देर इज नो एनी आउटकम्स, बिकॉज ओके बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, सो वी विल राइट जीरो हियर. और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स, तो टोटल हमको पता नहीं है, हमने यहाँ पर लेट एन किया हुआ है, सो विल राइट एन. सो जीरो अपॉन एन इट विल बी जीरो. सो फर्स्ट इवेंट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो. एक भी बार जीरो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी तो आएगी ही नहीं. ओके, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है. नाउ इवेंट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. अब ये तो क्या है, जितनी भी बार वो मालिनी जो है अपने बैग में से जितनी भी बार कैंडी निकालेगी तो हमेशा लेमन फ्लेवर ही आएगा. ओके, सो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन और एन एन. ओके, इफ यू कैंसल इट देन वी विल गेट वन एज अवर आंसर. और ये कैसा इवेंट है, पॉसिबल इवेंट है, उसके कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसमें से सिर्फ ऑरेंज निकलेगा ही नहीं, या तो आप कोई भी और फ्लेवर लो, नहीं होगा, ओनली लेमन फ्लेवर ही होगा. सो ये इवेंट की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इट विल बी वन. ओके, सो आवर आंसर इज जीरो एंड वन. क्वेश्चन नंबर सेवन, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट्स. देखो थ्री स्टूडेंट का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे. हियर देर आर थ्री स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप. ओके, तीन स्टूडेंट्स है, अब उसमें से दो स्टूडेंट बेटा ऐसे है कि जिनकी बर्थडे सेम ना हो, दोनों की बर्थडे सेम नहीं है, उसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992. ओके, सो दोनों स्टूडेंट जो है उनकी बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.992. ओके, एंड वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे. तो हमको क्या फाइंड आउट करनी है कि दूसरे दो स्टूडेंट जो है जिनकी बर्थडे सेम हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो यहाँ पर एक इवेंट है, तीन स्टूडेंट है, उसमें से दो स्टूडेंट की बर्थडे सेम है और दो स्टूडेंट की बर्थडे सेम नहीं हो रही है. ठीक है, अभी वो तीन के ही ग्रुप में से दो स्टूडेंट की सेम है और बाकी के अगर दो ले हुए दूसरे चेंज करके तो फिर सेम नहीं आएगी. इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी बर्थडे वो दोनों से अलग है. सो हियर हमको यहाँ पर भी क्या करना है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू वन. जैसे कि दोनों की बर्थडे सेम होना प्लस दोनों की बर्थडे अलग होना, ये दोनों का अगर आप प्रोबेबिलिटी का एडिशन करोगे देन यू विल गेट वन. ओके, सो वी विल राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज इक्वल्स टू पी ऑफ ई. सेम बर्थडे है, ओके नहीं है, नहीं है, यहाँ पर है तो वो हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पर किया हुआ है. एंड सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ये हमारे पास दिया हुआ है. ओके, वी आर गिवन 0.992. तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू वन. पी ऑफ ई ओके हमको फाइंड आउट करना है, एंड पी ऑफ ई दैट इज गिवन इन क्वेश्चन 0.991 इज इक्वल्स टू वन. नाउ हम क्या करेंगे, ये 0.992 जो है वी विल ट्रांसपोजिंग इट टू राइट हैंड साइड. यहाँ पर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो प्लस का माइनस हो जाएगा. सो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 - 0.992 आफ्टर सबट्रैक्ट. ओके, आपको क्या आंसर मिलेगा, 0.008. ये किसकी प्रोबेबिलिटी मिली हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0.008.
गॉट इट दिस क्वेश्चन? ओके नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 8. अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. ओके सो टोटल देर आर 8 बॉल्स. ओके 3 रेड है 5 ब्लैक है सो टोटल बॉल्स 8. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. अभी हम बॉल को क्या करेंगे, रैंडमली ऐसे ही उसको बैग से ले लेंगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज. सो फर्स्ट देखो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल आउटकम्स. टोटल हो गए हम एक वन बाई वन भी अगर कोई भी रैंडमली अगर ले गए कितनी बार हम वैसा करेंगे, 8 टाइम बिकॉज देर आर 8 बॉल्स ओनली. तो हम 8 टाइम ही वैसा करेंगे. सो हमको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है बेटा, हमको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है कि रेड बॉल. ओके रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी एंड नॉट रेड बॉल्स. ओके सो हियर हम उसका टोटल आउटकम्स लिखेंगे. रेड बॉल्स टोटल 3 एंड ब्लैक बॉल्स 5. सो टोटल बॉल्स आर 8. ओके देर आर टोटल 8 बॉल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. सो ऊपर हम क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, टोटल फेवरेबल आउटकम्स. ओके टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स एंड इन डिनोमिनेटर टोटल आउटकम्स. सो रेड बॉल अगर हम बैग में से वन बाय वन 8 टाइम बॉल्स निकाल रहे तो रेड बॉल कितनी बार आएगी, क्योंकि 3 बार 3 टाइम्स. ओके बिकॉज टोटल रेड बॉल ही कितनी है, 3 है. 3 से ज़्यादा अगर हम फोर्थ टाइम अगर कोई लेते भी है, फिफ्थ टाइम कोई लेते हैं, सपोज फर्स्ट 3 टाइम में ही हमारे पास रेड बॉल आ गई है तो फोर्थ टाइम हम जो लेंगे वो कौन सी बॉल होगी, ब्लैक, बिकॉज नाउ रेड बॉल्स आर ओवर. सो हियर वी विल राइट 3/8. नाउ ब्लैक बॉल्स, सो पी ऑफ नॉट रेड. ठीक है तो पी ऑफ नॉट रेड मतलब क्या होगी, ब्लैक बॉल होगी. सो वी विल राइट हियर 5/8. वाई, बिकॉज देर आर 5 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग. सो वी विल राइट 5 इन न्यूमरेटर एंड टोटल आउटकम्स 8. दैट्स वाई वी विल राइट ओके 8 इन डिनोमिनेटर. सो आवर आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड. ओके दैट मीन्स अदर ब्लैक बॉल्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड दैट इज 5/8. ओके सो क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व हियर एंड नाउ वी विल स्टॉप. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल क्वेश्चन नंबर 8. If you have any confusion or query, then please ask me. Question number 9 and 10. Okay? Do it by yourself. Aapko khud se karna hai. That is your homework for today. Okay? Allah Hafiz. Do like and subscribe our video and channel. Take care.